फ्रेंड्स, जब मैं इस कॉलर माइक को बनाने का विधि जब बताऊंगा, उस वक्त बीच में जब ये कॉलर माइक को मैं हटा कर रिकॉर्ड करूंगा, तो लगभग 2 फीट की दूरी पर रिकॉर्ड करूंगा, तो हो सकता है उस समय आवाज़ बिल्कुल कम हो जाए या थोड़ी कम हो जाए, पर आवाज़ आपको सुनाई देगी। पर अभी जिस क्लियरिटी की आवाज़ आ रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि माइक मेरे कॉलर से 1.5 या 2 फुट की दूरी पर होगी। तो ऐसे में आप वीडियो को स्किप करके हटा मत दीजिएगा, ताकि पूरा वीडियो देख करके जो आसानी से कॉलर माइक बनाने का विधि है वो आप जान सके और आप अपने लिए एक अच्छा कॉलर माइक बना सके, और आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा अमेज़न या फ्लिपकार्ट से। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए देसी टेक्नोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज हम एक कॉलर माइक बनाना सीखेंगे जिसमें कि आपको किसी तरह के कोई सोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी तरह का और एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत पड़ेगी। बस फ्रेंड्स, एक इस तरह का एक हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके पास पुराना है तो और भी अच्छा है, और नहीं तो आप इसे 140 से 200 रुपये तक में आराम से खरीद सकते हैं। और इस हेडफोन में फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तरह की एक माइक लगी होती है, बस इसी माइक की ज़रूरत है जिसे आप कॉलर माइक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप यहाँ से निकाल लीजिए स्क्रू को खोल करके, और फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसके अंदर आपको एक माइक मिल जाएगा यहाँ पर, जो काफ़ी बड़ी होती है, जो आपके हेडफोन नॉर्मल हेडफोन का जो यूज करते हैं उससे 3 गुना या 4 गुना बड़ी आपको इस जगह पर एक माइक मिल जाएगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से सिर्फ माइक को निकाल लेना है। जो वायर आपका कनेक्शन यहाँ से निकला होगा उसमें आपका जॉइंट साइड में आपको मिल जाएगी, उस जॉइंट को खोल लीजिए और दोनों वायर को अलग कर लीजिए। और इस तरह के हेडफोन में जो वायर होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी वायर है, तो इसी वायर का आपको यूज करना है, आपको वायर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ या जो भी मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी वॉइस को, वो इसी से बनाया हुआ माइक है। तो इस तरह से आप इसे निकालने के बाद में फ्रेंड्स, इसे करना कुछ भी ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक इस तरह का एक पेन ले लीजिए, जिसे मार्कर बोलते हैं, या फिर मार्कर का एक ढक्कन, आप इसमें से एक ढक्कन निकाल लीजिए, और इसी ढक्कन के अंदर में आप ढक्कन को, तो मैंने अभी बनाया हुआ है इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं बाद में दिखा दूंगा। तो मान लीजिए कि ये ढक्कन का ऊपरी हिस्सा है, आपको अंदर में डाल देना है, और इस डालने से माइक को अंदर डालने से पहले आप इस जगह जो कपड़े का बटन सिलाई करने का जो सुई होता है उसे गर्म करके छोटे छोटे छेद कर डालिए। छेद करने के बाद आप माइक को उसमें डाल दीजिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स मैंने कैसे बनाया है। तब तक मैं आवाज़ को नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा, तो आप देख लीजिए इसे कि मैंने कैसे बनाया है। ये है फ्रेंड्स वो पेन का ढक्कन जो मैंने इससे लिया हुआ है, और इस ढक्कन के ऊपर मैंने एक काला कपड़ा डाल दिया है। यहाँ आप छेद कर लीजिए, छेद करने के बाद में माइक को इस तरह से अंदर डालिए। और ये एक हेडफोन का ढक्कन है जो आप कान में जो ईयर में जो लगाते हैं वो उसका हिस्सा है जो इसमें आसानी से फिट हो गया। मैंने ये होल किया और यहाँ पर जॉइंट आपको पहले से मिल जाएगी, आप आराम से इसको डालिए और इस होल से बाहर निकाल लीजिए और आराम से बस तैयार हो गया फ्रेंड्स, यही है। और आपको ये माइक के लिए जो कॉलर में चिपकाने की आपको क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये क्लिप का काम कर जाएगा। और आप चाहें तो एक और भी आसान तरीका है फ्रेंड्स, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास पुराना हेडफोन है, इस तरह का जो हेडफोन का ढक्कन होता है जो कान में लगती है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी मैंने लगा कर रिकॉर्ड किया है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा आवाज़ आता है, क्योंकि इसमें जो हॉल है वो बहुत ही सटीक हॉल किया हुआ है। आप एक जो हेडफोन का जो ईयर वाला हिस्सा होता है उसे आप निकाल लीजिए और इस ढक्कन को निकाल दीजिए। और ढक्कन को निकालने के बाद में ये जो अलग कनेक्टिविटी है, आप इसका माइक को उसी ईयरफोन, मतलब जो ईयरफोन लगा होता है, आप उसके अंदर इस माइक को डाल दीजिए, और आप जो नीचे से आपका जो ये वाला हिस्सा होता है यहाँ से आप इस वायर को निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद फ्रेंड्स फिर से इस वायर को हाथों से जोड़ दीजिए, तो
तो इसके लिए आपको अलग से क्लिप की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, लेकिन ये जो पेन का ढक्कन है इसमें आपको क्लिप की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से एक आसान सा एक कॉलर माइक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की हमारी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए ताकि वो महंगा कॉलर माइक खरीदने से बच जाए और जिसके पास नहीं है वो आसानी से बना सके। तो यही थी आज की जानकारी फ्रेंड्स। अगर ये जानकारी आपको हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।